नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस अराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें आपके आज के जो टॉपिकों में एक तो सम लिया गया है और एक लिया गया आपके कोलाइट, कोलाइट से और सम में से। जैसे लास्ट ईयर कोलाइट से 3 क्वेश्चन आए थे और सम में से 2 क्वेश्चन आए थे, तो आज जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपन देखते हैं आज कोलाइट और सम में के आए हुए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जेड 2019 से मैं क्वेश्चनों की स्टार्ट करता हूँ कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? ब्राउनी गति क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति कहा जाता है। और ब्राउनी गति खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा ब्राउनी गति की खोज की गई थी। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? कि कोलाइडी कणों का टेढ़ा मेढ़ा, कोलाइडी किसी विलयन में टेढ़ी मेढ़ी गति, विलय के कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति कहा जाता है। तो ये अपना पहला था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जेड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, कोलाइडी कणों के नीचे बैठे जाने का प्रक्रम कहलाता है। ये देखिए जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन और ये सेकेंड क्वेश्चन भी ये कोलाइडी के गुणों में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोलाइडी कणों का नीचे की ओर बैठ जाना क्या कहलाता है? आपका स्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका स्कंदन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्कंदन। क्या होगा आंसर इसका? स्कंदन होगा। टिंडल प्रभाव क्या है? कि कोलाइडी कणों में प्रकाशी पथ का दिखाई देना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ब्राउनी गति क्या कहलाती है? टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। और वैद्युत कण संचलन क्या कहते हैं? कि एक यू प्रकार की नलिका में जब इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं तो विपरीत आवेश की तरफ पदार्थ क्या करने लगता है? गमन करने लगता है, जिससे विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाह होता है। तो चारों ऑप्शनों को आपने समझ लिया। स्कंदन क्या है? कि कोई एक ताजा बना हुआ अवक्षेप है या विलयन है, उसमें विपरीत विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो धनावेश और ऋणावेश के मध्य आकर्षण होकर एक समूहित कोलाइड का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, और वो भारी हो जाता है, जिसके कारण नीचे की ओर ही बैठ जाता है। और जो नीचे की ओर बैठना क्या कहलाता है? आपका स्कंदन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जेम व जेली के परीक्षण में कौन से रासायनिक परीक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो जेम और जेली के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। यह इसमें क्या बनाए रखता है? खट्टापन बनाए रखता है, और इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोडियम बेंजोएट। यह क्वेश्चन भी जेड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। ये क्वेश्चन भी जेड 2019 में ही आया था। तो प्रकाश का आकाश का नीला रंग दिखाई देना, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, या किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाशी पथ का दिखाई देना क्या कहलाता है? आपका किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? आपका प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? कोलाइडी या टिंडल प्रभाव में प्रकाशीय पथ का दिखाई देना होता है, और आकाश का नीला रंग का भी मुख्य कारण क्या होता है? आपका प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि HCO3- का संयुग्मी सार है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, संयुग्मी सार तो क्या होता है और संयुग्मी अम्ल क्या होता है? संयुग्मी अम्ल किसका निकल जाता है? सार का निकल जाता है। और संयुग्मी सार किसका निकल जाता है? अम्ल का निकल जाता है। अम्ल में क्या होता है? यानी जस्ट विपरीत होता है। सार का तो क्या निकल जाता है? अम्ल निकल जाता है। अम्ल का क्या निकल जाता है? सार निकल जाता है। तो यहां से देखिए इसका संयुग्मी सार क्या होगा? संयुग्मी सार मीन्स क्या होता है? अम्ल क्या होता है? एच डोनेट करने वाला, एच डोनेट करने वाला या दान करने वाला। तो ध्यान दीजिए, ब्रास्टेंड अवधारणा के अनुसार। किसके अनुसार? ब्रास्टेंड अवधारणा के अनुसार। ब्रास्टेंड ने क्या कहा? ब्रास्टेंड ने कहा कि एसिड तो क्या होते हैं? एसिड तो क्या होता है? पहले एसिड की बात कर रहा हूं, H+ दाता, ठीक है। और बेस क्या है भाई आपके? H+ ग्राही। क्या होते हैं? H+ ही ग्राही। अब ध्यान दीजिए एसिड का क्या निकला जाता है? संयुग्मी सार। क्या निकला जाता है? संयुग्मी सार। तो संयुग्मी सार की परिभाषा क्या हो गई? संयुग्मी सार की परिभाषा हो गई H+ दाता, H+ डोनेट करने वाला हो गया। तो इसका संयुग्मी सार तो क्या बनेगा? HCO3- के 2।
यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा था, एक जैसे ही डोनेट करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस सी ओ थ्री माइनस के 2। और यदि इसका संयुग्मी अमन पूछा जाता तो क्या जाता एच टू सी ओ थ्री, तो इसके उसका आंसर क्या है सी ओ थ्री माइनस के 2। क्या होगा इसका सी ओ थ्री माइनस के 2, ये क्वेश्चन जेड 2019 में आया था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सम्मे और कोलाइड से लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। अब की बार भी उतने ही क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी ईजी वाले आते हैं, बिल्कुल सरफेस से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप आसानी से और ध्यानपूर्वक पढ़कर इनको सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी पदार्थ के जलीय विलयन की सांद्रता का गुणनफल एच प्लस व ओ एच माइनस हमेशा स्थिर और बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ध्यान दीजिए, मैंने आपका जल का विलय व आयनिक गुणनफल पढ़ाया था। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, के डब्ल्यू बराबर, किसके बराबर भाई, के डब्ल्यू बराबर क्या होता है, के डब्ल्यू बराबर होता है एच प्लस की एच आयन की सांद्रता इंटू ओ एच आयन की सांद्रता। इसे क्या होता है, ये किसका मान होता है, के डब्ल्यू का, किसका मान होता है, के डब्ल्यू का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू पहला आंसर आ जाएगा। तो ये किसका आंसर है, पहले का। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आता है अपना, निम्न में से कौन दुर्बलतम सार है। ध्यान दीजिए, दुर्बलतम सार ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन दुर्बलतम संयुग्मी सार है। क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्न में से कौन दुर्बलतम संयुग्मी सार है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, जेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, जेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दुर्बलतम संयुग्मी सार कैसे निकालते हैं, जितना प्रबल अमल होगा उसका उतना ही दुर्बलतम क्या बनेगा, संयुग्मी सार बनेगा। क्वेश्चन क्या था, संयुग्मी सार, संयुग्मी सार, यहां से मैं लिख देता हूँ, यहां से इसका इसके बीच में संयुग्मी और आएगा, दुर्बलतम संयुग्मी सार है। तो ध्यान दीजिए, अपन पहले अमल की बात करें, तो इसको मैं यदि यूं कर लूँ, एक मैंने लिख दिया एस सी एल ओ, सेकेंड आ गया मेरे पास एस सी एल ओ टू, थर्ड आ गया मेरे पास एस सी एल ओ फोर, और फोर्थ आ गया एस सी एल ओ थ्री। ये 4 पॉइंट आपके सामने रखे हुए हैं, एस सी एल ओ, एस सी एल ओ टू, एस सी एल ओ फोर, एस सी एल ओ थ्री, ठीक है। यहाँ से देखिए, इसका ऑक्सीकरण सी एल का ऑक्सीकरण कितना आता है, प्लस का 1, यहाँ कितना आ रहा है प्लस का 3, यहाँ कितना आ रहा है प्लस का 7, और यहाँ कितना आ रहा है प्लस का 5। यहाँ से देखिए, अलग अलग देखिए, यहाँ प्लस 1, प्लस 3, प्लस 7 और प्लस के 5 ऑक्सीकरण अंक आ रहे हैं। जितना ज़्यादा अधिक ऑक्सीकरण अंक होगा वह उतना ही अधिक क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। और ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा उसका उतना ही दुर्बल संयुग्मी सार बनेगा। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा, इसका एस सी एल ओ फोर, कौन है इसका यहाँ पे एस सी एल ओ फोर। तो दुर्बलतम संयुग्मी सार कौन सा होगा इसका, एस सी एल ओ ओ सी एल ओ फोर माइनस, ये जितना प्रबल अम्ल है तो उतना ही दुर्बल क्या है, संयुग्मी सार है। क्या है, संयुग्मी सार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी एल ओ फोर माइनस, क्या होगा इसका, सी एल ओ फोर माइनस। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया है, ए जी सी एल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयता 1.8 × 10³⁻³ ग्राम प्रति लीटर है, ए जी सी एल का विलयता उत्पाद या विलयता गुणनफल होगा। यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ बताया था विलयता गुणनफल में, कि यहाँ से देखिए ये किस टाइप का यौगिक है, ये किस टाइप का यौगिक है बेटा आपका, ये आपका यौगिक है ए बी टाइप का, ए बी प्रकार का यौगिक है। तो ए बी प्रकार का विलयता गुणनफल कैसे निकालते हैं, ए प्लस और बी माइनस। तो यहाँ से ए की कितनी है एस, इसकी भी कितनी है एस, तो यहाँ से ध्यान दीजिए ए बी का विलयता गुणनफल कितना हो गया, एस स्क्वायर, क्या हो गया आपका, एस स्क्वायर। यहाँ पे अपने को एस का मान क्या दे रखा है, 1.8 × 10³⁻³ ग्राम प्रति लीटर है, विलयता मीन्स एस, विलयता मीन्स क्या है एस। तो यहाँ से देखिए एस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.8 × 10³⁻³ का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 3.24, 18 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 324 आता है। तो ध्यान दीजिए 3.24 × 10⁻⁶, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3.24 × 10⁻⁶, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए ए जी सी एल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयता 1.8 × 10³⁻³ ग्राम प्रति लीटर है। क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए बहुत सारी दिक्कत है, मैं बता दो क्या आती है, मैंने क्या सोच लिया कि मैंने सोच लिया कि न्यूमेरिकल आ गया तो मैं करूँगा ही नहीं इस क्वेश्चन को,
ध्यान दीजिए बेटा, ये आपकी जो मेंटिलिटी है इसको आपको दूर करना होगा, क्योंकि जो बहुत सारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनकी मेंटिलिटी ये रहती है कि भाई न्यूमेरिकल तो करना ही नहीं है, बल्कि न्यूमेरिकल जो आते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म आते हैं और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, जिनको आप फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपने ये देखा कि विलेता देर की थी, इसका स्क्वायर करना था, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, तो ये 3.24 × 10^-6, इसका क्या जाएगा, ग्राम प्रति लीटर आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9, क्वेश्चन आपकी अभिक्रिया H2+CO2 से CO+H2O के लिए प्रारंभिक सांद्रता H2=CO2, H2 बराबर क्या है आपका, यहाँ पे CO2 है, और साम्यावस्था पर हाइड्रोजन के एक्स मोल प्रति लीटर उपयोग में ले जाते हैं तो केपी का मान होगा। ध्यान दीजिए, पहले तो आपके सामने रिएक्शन लिखता हूँ मैं, H2+CO2 से मेरे पास क्या बन गया, CO+H2O बन गया, ये वाली रिएक्शन आ रही है। मैं आपको यहाँ से समझा दूँ, एक 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 एक, यहाँ पर डेलन का मान कितना आया बेटा, 2 − 2 = कितना आ रहा है, 0, कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा कि KP बराबर क्या हो जाएगा, KC, अर्थात दाब और ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो मैं ऑप्शंस देखता हूँ, इसके लिए मेरे को निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से निकालने का सीधा सा तरीका देख लीजिए, मानो कि ये एक्स बन गया, ये क्या बन गया था, एक्स बन गया, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक्स, तो ये 1 − x और ये 1 − x, तो यहाँ से देखिए KC बराबर क्या, देखिए बेटा KC बराबर देखूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, एक मिनट बेटा, यहाँ से देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो अपने पास क्या था बेटा, KC बराबर, एक मिनट, KC बराबर क्या जाएगा अपने पास, उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, ये आ रहा था आपके सामने, उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा सा आंसर ये हो जाएगा कि उत्पाद तो क्या थे, x × x = 1 − x × 1 − x, ठीक है, × Cx, Cx भी कर सकते हैं क्योंकि सांद्रता के बदलेंगे, तो इसको Cx, Cx, तो यहाँ सी से सी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, x² = 1 − x² तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था अपने पास, H2+CO2 से CO+H2 बनता है, जहाँ H2 और CO2 की प्रारंभिक सांद्रता बराबर है, अर्थात दोनों की एक एक मोल थी। जैसे ही अपने साम्यावस्था में गए तो CO+H2O क्या हो गए, एक्स एक्स मोल हो गए, तो यह वहां पे क्या जाएगा, 1 − x, 1 − x, यदि यहाँ पे सांद्रता दो मिल जाए, यहाँ KC आ रहा है, मुझे निकालना क्या था, KP निकालना था, मैंने आपको पहले बता दिया कि दोनों के लिए डेलन का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये KP बराबर भी क्या हो जाएगा, ये वाला ही आएगा, तो यह आ जाएगा x² = 1 − x² इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का तुरंत प्रभाव से क्या करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ध्यान दीजिए, यहाँ से फिर वही चीज़ आई है कि H2+I2 से क्या बनता है, 2HI बनता है। ऐसे क्वेश्चन जेट 2014 से लेकर 2020 तक तो मैं देखता आ रहा हूँ कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से क्या संबंध होगा। यहाँ पूछा कि निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा संबंध KP और KC के लिए सही है, तो ध्यान दीजिए KP और KC के लिए कौन सा सही है। अभिक्रिया मेरे पास है H2+I2 से मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, 2HI बन रहा है, तो यहाँ से देखिए डेलन का मान देखते हैं, मोलर संख्या यहाँ पे कितनी, एक, यहाँ पे कितनी है, एक, और यहाँ पे कितनी है, 2, तो डेल एन बराबर कितना आ गया, 2 − 2 = कितना आ गया, 0, कितना आ गया आपका, 0 आ गया, तो 0 आता है। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या था, केपी और केसी में संबंध क्या होता है, केपी बराबर KC RT की पावर क्या आता है, डेल एन आता है। जब डेल एन का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसकी घात कितनी होगी, 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा कि KP बराबर KC, क्या जाएगा मेरे पास, KP बराबर KC, तो यहाँ से संबंध आ गया मेरे पास KP बराबर KC, क्या आ गया, KP बराबर KC, ठीक है। यदि यहाँ पर डेलन का मान नेगेटिव होता, क्या होता, नेगेटिव होता या पॉजिटिव होता, तो इनमें या इसमें से कोई संबंध
होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। शून्य कोटि विक्रिया की दर निर्भर करती है, ध्यान दीजिए, शून्य कोटि विक्रिया की दर केवल तापमान पर ही निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? केवल तापमान पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी जे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसका अपन निराकरण करेंगे। 2a+3b, 2a 3b और c के लिए निम्न में से मिलर सूचकांक, तो ध्यान दीजिए किसी भी यौगिक का मिलर सूचकांक निकालना हो तो उसमें से क्या लेते हैं? लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पे 2a आया है, यहाँ पे 3b आया है और यहाँ पे c आया है, तो यहाँ गुणांक कितना है? 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, तो इनको पहले क्या लिखेंगे? 1/2, 1/3 और 1/1। तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आ गया इनका? 6। तो सबको 6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो सबको 6 से गुणा कर कीजिए, ×6 ×6 ×6, तो यहाँ से कितना आ गया? 3, यहाँ से कितना आ गया? 2 और यहाँ से कितना आ गया? 6। तो ये इसका क्या जाएगा? मिलर सूचकांक। तो आंसर कितना आ गया? 3 2 6, 3 2 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3 2 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? जेड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो थोड़ा सा इसको आप सोलो सही कर लीजिए। प्रिंटिंग मिस्टेक में ये है कि यहाँ से देखिए, एक अंग स्तंभ निम्न में से कोलाइडल कणों का आकार है। आपको पता है यदि आकार की बात की जाती है, मीटर सेंटीमीटर की बात की जाती है, तो 10^-7 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से 10^-4 सेंटीमीटर तो किसमें होता है? सेंटीमीटर में होता है। यदि मीटर की बात की जाए तो 10^-9 मीटर से 10^-6 मीटर में होता है। यदि एंगस्ट्रम नैनोमीटर में बात की जाए तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। ठीक है, और यदि बात की जाए एंगस्ट्रम की तो 10 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम के मध्य होता है। 10,000 एंगस्ट्रम के क्या होता है? मध्य होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलाइडल कणों का आकार होगा, तो आपका पहला ऑप्शन गलत आ रहा है कि 1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के मध्य नहीं होता है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम क्या हो गया? 1 एंगस्ट्रम का मतलब मीन्स होता है कि ये वास्तविक विलयन है। पहला गलत है। सेकंड क्वेश्चन है, 10 एंगस्ट्रम से 2,000 एंगस्ट्रम के मध्य, 10 एंगस्ट्रम से 2,000 एंगस्ट्रम के मध्य, तो ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि 10 एंगस्ट्रम से 2,000 एंगस्ट्रम की मध्य की परास किसके आती है? 10 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम के मध्य की परास आती है। यहाँ पे आपको ओनली 0 करना है, यहाँ से ओनली आपको क्या करना है? 0। 1,000 से 20,000 एंगस्ट्रम के मध्य, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2,000 एंगस्ट्रम से कम, तो 2,000 एंगस्ट्रम से कम तो कुछ भी हो सकता है, 1 एंगस्ट्रम 2,000 एंगस्ट्रम से कम है, तो ये वाली प्रश्न, तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपका सेकेंड आ जाएगा। क्या जाएगा? आपका सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ब्रास्टेंड अम्ल है? अम्ल नहीं है, निम्न में से कौन ब्रास्टेंड अम्ल नहीं है? तो ब्रास्टेंड अम्ल क्या होते हैं कि प्रोटोन दाता और प्रोटोन ग्राही अम्ल, तो किस ब्रास्टेंड अम्ल तो किसे कहते हैं? प्रोटोन दाता को कहते हैं, और ब्रास्टेंड अम्ल किसे कहते हैं? प्रोटोन ग्राही को। यहाँ से प्रोटोन का मीन्स क्या होता है? H+। क्या होता है आपका? H+। जिसके पास H+ है वह क्या होगा आपका? ब्रास्टेंड अम्ल होगा। क्या होगा आपका? ब्रास्टेंड अम्ल होगा। तो मैं ऑप्शन से बातचीत करता हूँ, पहले ऑप्शन से देखते हैं बेटा एक बार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहला मेरे पास क्या है? NH4+ है, तो यहाँ से मैं H मेरे पास उपस्थित है तो मैं H त्याग सकता हूँ। H त्याग के क्या क्या बना लेगा? H+ त्याग के क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा। तो अर्थात ये तो ब्रास्टेंड अम्ल है। यहाँ से देखिए, ये SCO3- है, तो यहाँ से ये त्याग के क्या बना लेगा? CO3-2 बना लेगा। यहाँ माइनस है तो ये त्याग के क्या बना लेगा? SO3 SO4 यहाँ पे SO4-2 बना लेगा। परंतु इसके पास कुछ भी त्यागने के लिए नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी आ जाएगा, CH3COO-। ये तो ग्रहण ही कर सकता है, त्याग नहीं सकता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? CH3COO-। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था जेड 2016 के अंदर। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि सार NH2- का संयुग्मी अम्ल होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि किसी का संयुग्मी अम्ल निकालना है तो H+ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और संयुग्मी सार निकालते हैं तो क्या कर देते हैं? H+ क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में NH2- का संयुग्मी अम्ल क्या होगा? NH3। क्या होगा इसका आंसर? NH3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? NH3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? NH3 संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल बराबर क्या कर दो?
एच प्लस जोड़ दो, एच प्लस से, एच प्लस जोड़ दो, ठीक है। और संयुग्मी सार क्या होता है? संयुग्मी सार क्या होता है आपका? संयुग्मी सार होता है एच प्लस से हटा दो। तो यहां से तो क्या पूछा गया है? संयुग्मी अमल पूछा गया है, तो एच प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एन एस थ्री बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? एन एस थ्री होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अपना। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, ये वैसे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है परंतु इसी में डाला गया है, डाल दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लाइकोपीन के कारण है टमाटर का क्या रंग होता है? लाल रंग होता है। क्या होता है आपका? लाल रंग होता है। नेक्स्ट देखिए, वह रासायनिक परिवर्तन जो अपचयन कहलाता है, इसका ऑप्शन भी गलत है बेटा, एक बार आप देख लीजिए। आपकी जो चार लाइनें दे रखी है उनको अलग अलग समझिए पहले। तो आपके पास अपचयन क्या होता है कि ऑक्सीजन अंक में कमी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे त्यागेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन अंक में क्या होती है? कमी होती है। और त्यागते हैं तो क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है? ऑक्सीजन अंक बढ़ जाता है, ऑक्सीजन अंक बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा आपका? ऑक्सीकरण। तो पहली पहली लाइन नहीं आएगी। सेकेंड देखिए, ऑक्सीजन अंक कम हो जाता है, ये अपचयन का पार्ट है। अपचयन हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगी? ऋणात्मक चिन्ह। क्या आएगा आपका? ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ये भी क्या है आपका? अपचयन है अर्थात ऑक्सीजन अंग में कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो ऑक्सीकरण अंग में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये क्या आपका? ऑक्सीकरण। अब नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और डी, ए और सी, ए और सी तो नहीं हो सकता, ए और बी भी नहीं हो सकता, ए और डी, ए और डी देखिए, ए और डी तो ये तो क्या है? ऑक्सीकरण के हैं। बी और डी, बी और डी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैं कुछ करेक्शन कर देता हूँ आपका, क्या कर देता है यहाँ से? बी और सी कर देता है यहाँ से, इस चौथे ऑप्शन को काट के यहाँ से क्या कर लेना? बी और सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर? बी और सी। अगला देखिए, अगला अपना क्वेश्चन है वह है एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसिटेट के लिए एक मिश्रण है, मिश्रण में लवण तथा अम्ल की सांद्रता का अनुपात 10 गुना कर दिया जाता है, तो उसकी पीएच, ध्यान दीजिए, जैसे ही किसी पदार्थ को 10 गुना करते हैं तो उसकी पीएच में क्या हो जाती है? एक इकाई क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? एक इकाई क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम तुल्यांक HCl तथा 1 ग्राम तुल्यांक NaOH का द्वारा उदासीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। HCl क्या है आपका? प्रबल अम्ल है, और NaOH की क्या है आपका? प्रबल सार है। तो ये जब दोनों क्रिया करते हैं तो ये -13.6 के बराबर या उससे अधिक ऊष्मा का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो ये तो ध्यान दीजिए किलोजूल में, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, 13.-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, और यहाँ किस में पूछा गया है? किलोजूल में पूछा गया है। जब -13.6 को, -13.6 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, किसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलोजूल में चेंज किया जाता है, तो कितना आता है? 57.32 किलो जूल। कितना आता है? 57.32 किलो जूल। तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना जाएगा? 57.32 किलो जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रवण सोल को प्राप्त किया जाता है, ध्यान दीजिए, श्रवण सोल को, श्रवण सोल अपने तीन विधियां पढ़ी थी पढ़ने, एक तो पढ़ी थी पढ़ने यांत्रिक विधि। क्या पढ़ी थी? यांत्रिक विधि पढ़ी थी कोलाइड में। अरे पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी पढ़ने। सेकेंड थी अपनी ब्रेडिंग आर्क, ब्रेडिंग आर्क, या अपन कह सकते हैं इसको विद्युत आर्क, इसे कह सकते हैं विद्युत आर्क। थर्ड पढ़ी थी पढ़ने रासायनिक, रासायनिक में इसमें एक पढ़ने ऑक्सीकरण पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था? पढ़ने अपचयन पढ़ा था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ब्रेडिंग आर्क या विद्युत प्रक्षेपण द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है? श्रवण सोल प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? विद्युत प्रक्षेपण द्वारा विद्युत सोल प्राप्त किए या श्रवण सोल प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रम जिसमें एस के को वायु की उपस्थिति में गलनांक, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, तो वह क्या कहलाता है आपका? भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? भर्जन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको बैठ के एक बार सोचेंगे किस किस को कैसे किया जाए। पहला
पहला क्वेश्चन अपना है, यदि अभिक्रिया एच टू, ये इसी क्वेश्चन का, यदि अभिक्रिया एच टू प्लस आई टू से टू एच आई प्रारंभ में ए मोल, यहाँ पे देखिए ए लगा लीजिए, यहाँ पे ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं तो मैं आपको सही करवा देता हूँ, यहाँ पे ए लगा लीजिए, ए मोल एच टू व बी मोल आई टू ले जाते हैं तथा साम्यावस्था पर दो मोल एच आई प्राप्त होती है, तो अभिक्रिया के लिए के का मान अर्थात के सी का मान होगा। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इसको, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, ऑप्शनों में सुधार कर लीजिए, यहाँ से क्या कर लेना भाई बी कर लेना, यहाँ पे यहाँ क्या कर लेना आप बी कर लीजिए, यहाँ पे बी कर लीजिए। अब देखिए रिएक्शन मेरे पास क्या थी, रिएक्शन के बारे में लिखता हूँ मैं आपको, आपके लिए एच टू प्लस आई टू से क्या बनता है मेरे पास, टू एच आई बनता है, क्या बनता है मेरे पास से टू एच आई बनता है। तो मेरे पास स्टार्टिंग में इसके कितने मोल थे, ए मोल थे, इसके कितने थे बी थे, इसके कितने मोल थे दो मोल थे, ठीक है। ये कुछ समय के साथ क्या बन जाता है, टू एक्स बन जाता है, तो ये बी माइनस एक्स, ये बी माइनस एक्स और ये ए माइनस एक्स बन जाता है। इसे सांद्रता से गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सी ए माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स और ये टू सी एक्स, ठीक है। तो के सी बराबर, ध्यान दीजिए, टू सी एक्स का होल स्क्वायर बटे सी ए माइनस एक्स और सी बी माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट करते हैं तो क्या जाता है, फोर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बटे, यहाँ से सी तो सी, सी से तो सी तो कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर बचेगा ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, ये मेरे पास बच रहा है। ध्यान दीजिए कौन सा वाला ऑप्शन बच रहा है, फोर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स और बी माइनस सी एक्स। दोबारा देखिए बेटा इस चीज़ को एक बार, आप यहाँ से दोबारा देखेंगे कि एच टू प्लस आई टू से क्या बनता है मेरे पास, टू एच आई बनता है, ए मोल इसके थे बी मोल इसके थे दो मोल इसके प्राप्त हुए मुझे, एक्स मोल प्राप्त हो गए। ये क्वेश्चन के साथ एक्स एक्स में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो ये टू एक्स ये क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स, यदि सांद्रता के पदों में लेंगे तो सी ए माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स और टू सी एक्स, कैसे निकालूंगा तो टू सी एक्स का होल स्क्वायर बटे सी ए माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो बच जाता है क्या है, फोर एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल चुटकियों में सोल्व आउट होते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अब की बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे। BSO4 की जल में विलयता 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.00233 ग्राम प्रति लीटर है, तो इसका विलयता गुणनफल होगा। पहली बात तो देखिए BSO4 का विलयता ये अनुपात देखा जाए तो कितना होता है, 233 होता है, कितना होता है आपका 233 होता है। तो मुझे क्या करना है, इसकी विलयता दे रखी BSO4 की प्रति ग्राम प्रति लीटर में दे रखी है ना, तो मैं इसे क्या करूँगा, पहले तो इसको चेंज करता हूँ कि 233 सांद्रता दे रखी इतना, सी की बात करते हैं 233 या एस की बात करते हैं 233 इंटू 10 की घात माइनस की 5, ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी विलयता आ गई एस। तो यहाँ से देखिए मेरे पास विलयता नहीं, विलयता गुणनफल आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास है, विलयता गुणनफल, विलयता यही है ना, तो इसकी विलयता कैसे निकालूंगा कि 233 इंटू 10 की घात माइनस की 5 बट्टे 233, इसके अनुभार क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, तो 233 से 233 कट जाएगा 10 की घात माइनस की 5, तो अर्थात फाइनल एस कितना आया मेरे पास, 10 की घात माइनस की 5 आ गया। अब BSO4 है, तो BSO4 कैसा यौगिक है, AB टाइप का यौगिक है, तो AB बराबर क्या जाएगा, AB बराबर क्या जाएगा, A प्लस इंटू बी माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा S, या KSB बराबर क्या जाएगा एस स्क्वायर, KSB बराबर क्या जाएगा एस स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ से KSB निकालना है मुझे, तो S बराबर कितना है, 10 की घात माइनस की 5 है, तो इसका स्क्वायर करने पर कितना जाएगा, 10 की घात माइनस की 10 या एक एंगस्ट्रम या एक एंगस्ट्रम, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 × 10 की घात माइनस की 10 मीटर, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। अगला देखिए जो क्वेश्चन आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एन अपॉन 100 NaOH की pH होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या है, एक सार है, तो N बटा 100 मीन्स क्या होता है, 10 की घात माइनस की 2,
कितना आएगा, 10 की घात माइनस की 2, तो n बटा 100 है। n नॉर्मल था, इसको आंसर निकल जाता है तो ये 1/100 हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसको मैं चेंज करना चाहूँगा तो कितना जाएगा, 10 की घात माइनस की 2 नॉर्मल, यानी नॉर्मल तम ले रहा है, तो ओ एच आई एन की सांद्रता कितनी आ गई मेरे पास, 10 की घात माइनस की 2 आ गई। कितनी आ गई मेरे पास, 10 की घात माइनस की 2 आ गई। तो मैं कैसे निकालूंगा पी ओ एच, पहले क्या निकालूंगा, सार है तो पी ओ से निकलेगी, तो कितनी आ जाएगी, माइनस लोग ऑफ एच ओ एच आई एन की सांद्रता, ओ एच आई एन की सांद्रता तो यहाँ से देखेंगे माइनस लोग 10 की घात माइनस की 2, ये आगे आ जाएगा x की पावर n से खुलेगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, 2 log 10, log 10 का मान कितना है 1 है, log 10 का मान कितना है 1 है। तो पी ओ एच कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ रही है, तो पी एच बराबर कितनी आ जाएगी, 14 माइनस पी ओ एच बराबर कितनी आ जाएगी मेरे पास, 12 आंसर देगा। पी ओ एच कितनी है 2 है, तो 14 माइनस 2 कितना जाएगा 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाता है 12, कितना जाता है 12। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार की उदासीकरण ऊष्मा का मान किलो कैलोरी प्रति मोल में होगा। ध्यान दीजिए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार है, अर्थात वीक एसिड एंड वीक बेस है। आपको एक चीज बता दो, स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस को छोड़कर अन्य सभी की उदासीन ऊष्मा का मान -13.6 से क्या होता है, कम होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, पहला आ जाएगा। और अन्य सभी, यदि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता तो इसका क्या आंसर हो जाता, इन दोनों में से होता, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -13.6 से ही कम आ जाएगा, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कोलाइडी विलयन की रक्षण सामर्थ्यता कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, एक बार देखिए, देखिए इसको, सोचिए इसको, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट सोचेंगे इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए भाई, क्या क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सोच लिया सभी ने, अरे सोच लिया क्या, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, किसी कोलाइड विलयन की रक्षण सामर्थ्यता कहलाती है श्रवण संख्या, क्या कहलाती है आपकी, श्रवण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी अभिक्रिया को एक बंद पात्र में हो रही है तथा अभिक्रिया की अवस्था पर कुल दाब पी है, कुल दाब क्या है पी है, एम पी सी एल के लिए विभाजन की दर एक्स है, तो पी सी एल फाइव से ही पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू बनता है, तो इस अभिक्रिया के लिए पी सी एल फाइव का आंशिक दाब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे जाने लायक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए मेरे पास क्या था, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करके बताता हूँ आपको कैसे सोल्व आउट करते हैं। पी सी एल फाइव से किससे ही, पी सी एल फाइव से ही पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू बन रहा है मेरे पास। इसका स्टार्टिंग मोल क्या है मेरे पास, एक है, तो ये क्या होता है प्रारंभिक जीरो, ये जीरो, यहाँ पे एक्स, ये एक्स, और ये क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा वन माइनस ही एक्स। जब टी पी निकाला जाता है, टोटल प्रेशर निकाला जाता है, तो कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए, सबको जोड़ लीजिए, वन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स से तो एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे कितना जाएगा मेरे पास वन प्लस एक्स। अब पर्टिकुलर का आंशिक दाब निकालना है, किसका निकालना था, मुझे पी सी एल थ्री का निकालना था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए इसका निकालिए, तो पहले इसका कैसे निकालेंगे, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, जो टोटल प्रेशर आया है उसका भाग दे देंगे सभी में इन टू पी, ये तो किसका निकल गया पी सी एल फाइव का, पी सी एल थ्री का निकालना है अपने को, तो एक्स बटे वन प्लस एक्स इन टू पी, ये क्या हो गया आपका पी सी एल थ्री का, और सी एल टू का ज्ञात करेंगे तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इन टू पी, ये किसका आ गया आपका, ये सी एल टू, सी एल टू और पी सी एल थ्री का सेम है, क्योंकि दोनों की विभाजन की मात्रा भी क्या है सेम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा। तो इस ये कौन सा किससे मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन से, किससे मिल रहा है आपका, सेकेंड ऑप्शन से, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन इन टू पी, इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि पी सी एल का पाइप पर पहुंचा जाता तो थर्ड नंबर का आंसर आता, थर्ड नंबर का नहीं आता इसमें है ही नहीं। निम्न में से किसका जलीय विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, NaCl का जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है, कि मतलब पारदर्शी होता है, शर्करा का वो भी पारदर्शी होता है, बेरियम सल्फेट का वो भी पारदर्शी होता है, और साबुन का या साबुन अपमार्जक एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करती है, तो इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। निम्न में से किस अभिक्रिया की उदासीकरण ऊष्मा का मान अधिकतम होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए कैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को,
मेरे पास क्वेश्चन है कि के ओ एच प्लस सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, ध्यान दीजिए ये तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है परंतु ये वीक एसिड है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एस बी डब्ल्यू ए बन रहा है। तो ये इसकी उदासीन ऊष्मा का मान 13.6 से कम होता है। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू बी है और ये क्या है एस ए, तो यहाँ से क्या बन रहा है एस ए डब्ल्यू बी बन रहा है। तो इसकी उदासीन ऊष्मा का मान क्या कम होगा, यहाँ पे ये क्या है ये एस बी है और ये क्या है एस ए है। तो यहाँ से देखिए एस ए एस बी बनेगा, तो इसकी उदासीन ऊष्मा का मान -13.6 से क्या होगा अधिक होगा, क्या होगा अधिक होगा। तो अधिकतम किसका होगा आंसर, ये वाला आएगा, इसमें भी ये वीक वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी भी कम होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा इसका थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय अपघटन करने पर प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ से देखिए अमोनियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ध्यान दीजिए इसका जब जल अपघटन करते हैं अर्थात जल में डालते हैं H2O में डालते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से एक तो NH4OH का निर्माण होता है और एक किसका निर्माण होता है HCl का। यहाँ प्रबल कौन है, HCl यानी SA और ये क्या है आपका WB। तो जो प्रभावी होता है उसके गुण प्रकट होते हैं, तो ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा, कैसे विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखे जाते हैं। आज अपन ने 2013 तक के क्वेश्चनों के बारे में बात की है, 2013 के दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं अपन एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षित प्रावस्था तरल तथा प्रेक्षण माध्यम क्या हो, टोस हो तो कोलाइड। ध्यान दीजिए प्रेक्षित प्रावस्था मीन्स विलय, विलय तो क्या हो आपका दर हो और माध्यम क्या हो आपका टोस हो, तो बनने वाला कैसे बनेगा, जेल का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, जेल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अभिक्रिया N2 + 3H2 से 2NH3 के लिए संतुलन स्थिरांक का क्या मान का क्या है, के है। यदि अभिक्रिया 1/2 N2 + 3/2 H2 से 2NH3 के लिए संतुलन स्थिरांक का मान होगा, यहाँ के और के डेस वाला संबंध पूछ रहा है। दोनों अभिक्रिया के अभिकारक एक समान है और उत्पाद भी दूसरी तरफ है, यानी अभिक्रिया समान दिशाओं में है, तो यहाँ से क्या होगा K डैश बराबर K की पावर n, क्या होगा K की पावर n। देखिए N2 3H2, इधर भी N2 3H2 ये आ रहा है, इस ऊपर वाली अभिक्रिया को किससे गुणा किया गया है, 1/2 से गुणा किया गया है, तो n का मान कितना जाएगा 1/2। तो यहाँ के डैश बराबर क्या जाएगा, K की पावर 1/2 अर्थात √K। इसके सुन आंसर क्या जाएगा, √K। तो आज इतने ही क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट सेकंड में कल लेके आऊँगा। देखिए जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको बारी बारी से देखते रहिए, उससे आपको आइडिया बैठ जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। और एक चीज़, आपका एग्जाम 2 अगस्त को ही होने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इसको सही तरीके से भुनाइए। धन्यवाद।